हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर आई हूँ सरोजनी नगर मार्केट। और इस टाइम सरोजनी नगर मार्केट में इतना बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है कपड़ों का कि आपका मन करेगा सब कुछ खरीद लो, क्योंकि एक तो इतने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस हैं और वो भी इतने सस्ते दामों में। तो आप कोई भी टी शर्ट्स, टॉप्स वगैरह लेंगे तो 100 रुपीज़ से उनकी रेंज शुरू हो जाती है। और इनफैक्ट अगर आप मंडे मार्केट में जाते हैं तो आपको वो चीज़ें और भी ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। तो सरोजनी नगर मार्केट हफ्ते में 7 दिन खुलती है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मार्केट बंद होती है। तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं। वीकेंड पे जाएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, और वीकडेज़ में भी अगर आप आफ्टरनून के टाइम पे जाते हैं तो रश ठीक ठाक होता है, लेकिन अगर आप इवनिंग में जाते हैं तो अगेन रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि सरोजनी नगर मार्केट कहाँ पर है और वहाँ पर कैसे पहुँचना है, मार्केट में कहाँ नेविगेट करना है, तो उसके लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मार्केट में कहाँ कहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है और कैसे आपको वहाँ पर पहुँचना है। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी कौन सी शॉप पे क्या स्टफ़ मिल रहा है विद शॉप नंबर्स। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। तो चलिए फिर सरोजनी नगर मार्केट का टूर शुरू करते हैं। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये सब्जी मंडी वाली लेन है, और इस वाली लेन में जितनी भी शॉप्स हैं उन पे कलेक्शन बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। और मोस्टली शॉप्स में एक्चुअली वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन जो इनका कलेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। और जो टॉप हैं वो 200 रुपीज़ से शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। और इस बार मार्केट में वाइट्स में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। अगर आपको वाइट शर्ट्स चाहिए या वाइट क्रॉप टॉप्स चाहिए या फिर वाइट ड्रेसेस चाहिए तो उनका बहुत बढ़िया कलेक्शन है। और इनफैक्ट डेनिम शर्ट्स या डोंगरी ड्रेसेस अगर आपको चाहिए, जीन्स वगैरह हैं तो उनका भी बहुत बढ़िया कलेक्शन है मार्केट में। और जो प्राइस रेंज है वो 200 रुपीज़ से सब शुरू हो जाता है। तो ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं ये सब सब्जी मंडी वाली लेन में है। और इनमें जो शर्ट ड्रेसेस होती हैं और जो मिडी ड्रेसेस होती हैं सब बहुत बढ़िया मिल रही हैं। एंड क्रॉप टॉप्स का तो कलेक्शन अमेजिंग आया हुआ है। ये वाली जैसे आप शॉप देख रहे हैं, ये है शॉप नंबर 54, वहीं सब्जी मंडी वाली लेन में, और इनके पास क्रॉप टॉप्स का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था। और जो सूट्स वगैरह हैं, प्लाजोस के सूट्स हैं, उनमें भी बहुत बढ़िया कलेक्शन है, और आपको 400 रुपीज़ की रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे सूट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। ये वाली शॉप है शॉप नंबर 129, और इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर आपको सब इंस्टाग्राम वाले ड्रेसेस और टॉप्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं यहाँ पर। और टू बी एग्जैक्ट इस शॉप की लोकेशन मैं आपको बताती हूँ, जब आप सब्जी मंडी वाली लेन के एंड में पहुँचते हैं और फिर राइट साइड में टर्न करते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये फर्स्ट या सेकंड शॉप ही है। और इसका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया था, और इनकी जो रेंज है वो 200-250 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। ये सारी जो टॉप्स एंड ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप कितने ब्यूटीफुल हैं। तो इस वाली शॉप पे एक बार तो जाना बनता है, क्योंकि कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है इनका। सरोजनी में बच्चों के लिए और बॉयज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन अवेलेबल है। और ये वाली जो शॉप है ये बाबू मार्केट में शॉप नंबर 120 है, और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स बच्चों में दोनों के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे आपको, कॉटन स्टफ़, लाइक्रा या फिर पार्टी वेयर, हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे। और जो रेंज है वो 100 रुपीज़ से शुरू हो जाती है इन कपड़ों की, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पर भी।
इस मार्केट में मेकअप का सामान और हेयर एक्सेसरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। ये जो क्लचर्स आप देख रहे हैं ये 10 रुपीज़ में अवेलेबल थे, और जो स्क्रंचीज़ हैं ये भी 10 रुपीज़ में मिल जाएंगी आपको। ये जो हेयर बैंड्स आप देख रहे हैं ये 20 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, और जो छोटे वाले क्लचर्स होते हैं वो 5 रुपीज़ में हैं। तो काफ़ी सस्ता है सामान, और अगर आप मेकअप का सामान लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पर हर तरीके के ब्रांड्स मिल जाते हैं, जैसे हुडा है, लैक्मे है, लॉरियल है, मेबेलिन है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। ये वाली जो शॉप है ये एक्सपोर्ट लेत में है, शॉप नंबर 32, और यहाँ का कलेक्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इनके पास स्कर्ट्स में भी काफ़ी रेंज है, और जो इनकी प्राइस रेंज है वो 300 रुपीज़ से शुरू हो जाती है, और टॉप में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। और इसके साथ में ही एक और शॉप है, वहाँ पर भी जीन्स और स्कर्ट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। तो बेसिकली अगर आपको स्कर्ट्स देखनी है तो आप एक्सपोर्ट लेन पे जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स में आपको स्कर्ट्स की काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। और ये वाली जो शॉप है इसमें शर्ट्स की भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी, तो आप अगर शर्ट्स देखना चाह रहे हैं तो आप इस शॉप में ज़रूर जाइएगा। और ये वाली जो शॉप है ये शॉप नंबर 36 है, और इनके पास शॉर्ट्स वगैरह में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। ये वाली शॉप शॉप नंबर 62 के अपोजिट साइड में है, और यहाँ पर बॉयज़ के लिए काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है। और ये जो शॉर्ट्स आप देख रहे हैं ये 150 रुपीज़ में मिल जाएंगी, और जो टी शर्ट्स हैं वो सब 250-300 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगी। और इनके पास सारे ब्रांड्स में टी शर्ट्स और शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और इसी लाइन में आपको जीन्स की भी बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए जीन्स हैं, और बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं इस वाली लाइन में। ये है शॉप नंबर 154, और इनके पास लॉन्ग स्कर्ट्स में और लॉन्ग ड्रेसेस में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और ये जो स्कर्ट्स आप देख रहे हैं ये 200 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाएंगी, और इनके पास वाइट शर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। वाइट पैटर्न शर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स काफ़ी अच्छे थे इनके पास, तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। ये वाली जो शॉप है ये साउथ स्क्वायर मॉल के अपोजिट साइड में पड़ती है, और इसका नंबर है 137, और इनके पास कॉटन ड्रेसेस का और काफ्तान्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और हर लेंथ में ड्रेसेस अवेलेबल थी, फुल लेंथ, मिड लेंथ और शॉर्ट ड्रेसेस, एंड देन काफ्तान्स और लॉन्ग टॉप्स सब कॉटन स्टफ में अवेलेबल थे, और बहुत सारे पैटर्न्स और डिज़ाइंस थे, बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस थी इनके पास। और जो इनकी प्राइस रेंज है वो 250 रुपीज़ से शुरू हो जाती है, तो इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। और समर में ऐसी ड्रेसेस काफ़ी सूदिंग भी लगती हैं स्किन को, क्योंकि कॉटन स्टफ वैसे ही बहुत सॉफ्ट रहता है गर्मियों के लिए, तो दिस शॉप इज़ अ मस्ट चेकआउट। ये वाली शॉप गोपाल सन्स T9 के अपोजिट साइड में है, और इस वाली शॉप पे भी हमेशा बहुत ही बढ़िया आउटफिट्स मिलते हैं, और सब इंस्टाग्राम वाले आउटफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वाली जो शॉप है ये फिक्स्ड प्राइस शॉप है, तो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं चलेगी यहाँ पर, लेकिन चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी इस शॉप पे। और इनकी जो एक्सचेंज पॉलिसी है वो है विद इन 3 डेज़ आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो। लेकिन वैसे भी सरोजनी में हमेशा यही एडवाइजेबल होता है कि आप कोई भी चीज़ लें तो उसको चेक करके ज़रूर लें, क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं कि वो डैमेज होती हैं, तो हमेशा चेक करके लीजिए। लेकिन हाँ, साइज़ के लिए आप सरोजनी में कहीं पे भी ट्राई करके नहीं देख सकते हैं, देर आर नो ट्रायल रूम्स इन सरोजनी मार्केट, तो आपको ऐसे ही अंदाजे से ही लेना पड़ेगा जो भी आपको सामान लेना है।
अगर आप पार्टी वेयर ड्रेसेस ढूंढ रहे हैं विद लॉट ऑफ ब्लिंग एंड सिक्वेंस, तो ये वाली जो शॉप है ये एकदम परफेक्ट है। इस पे काफ़ी सारी वैरायटी थी ऐसी ड्रेसेस की, और ये शॉप नंबर है 129 एक्सपोर्ट लेन पे। इस वाली शॉप का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर भी आपको शर्ट्स मिल जाएंगी, टी शर्ट्स मिल जाएंगी, और क्रॉप टॉप्स, लॉन्ग टॉप्स सब कुछ मिल जाएगा। और इनका जो प्राइस रेंज है वो 250 रुपीस से शुरू हो जाता है। और ये वाली जो शॉप है ये एक्सपोर्ट लेन पे है, शॉप नंबर 12। ये है शॉप नंबर 198, और ये एक वन स्टॉप शॉप है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको चाहिए और यहाँ पर ना मिले। यहाँ पर आपको डेनिम स्कर्ट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स, ड्रेसेस, प्लाजो, शरारा, देन पैंट्स, जीन्स, डोंगरी ड्रेसेस, पार्टी वेयर ड्रेसेस, सिक्वीन वाली ड्रेसेस, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी नॉमिनल है। जो चीज़ें हैं वो 100 रुपीज़ से शुरू हो जाती हैं, लेकिन बहुत बार्गेनिंग चलती है इस शॉप पे, तो बार्गेनिंग करना मत भूलना। लेकिन इनकी जो वैरायटी थी वो बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि शॉप भी ये बहुत बड़ी है तो इनके पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस शॉप में एक बार गए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली हाथ वापस आ जाएंगे इस दुकान से। सरोजनी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिल जाता है और मोबाइल कवर्स भी मिल जाते हैं। और ये वाले जो मोबाइल कवर्स हैं ये 100 रुपीज़ की रेंज से शुरू हो जाते हैं, और कोई भी फ़ोन है आपके पास, हर तरीके के फ़ोन के कवर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये है शॉप नंबर 123, और यहाँ पर आपको अपनी नीड के हिसाब से हर तरीके के हैंडबैग्स मिल जाएंगे। इनके पास बहुत ही बढ़िया वैरायटी थी और जो क्वालिटी थी काफ़ी अच्छी थी, और इनकी प्राइसिंग 200 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। और इनके पास फुटवेयर में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, जिसमें 200 रुपीज़ में ही अगेन प्राइसिंग शुरू हो जाती है। और इनके पास जूतियों का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। और ये वाली जो शॉप है ये एक फिक्स्ड प्राइस शॉप है, तो यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी।
बिकसी वाली लेन में कोने में एक भैया ने कैप्स की शॉप लगाई हुई थी और इनके जो कैप्स थी उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इनका जो प्राइस था वो भी उन्होंने काफ़ी हाई बोला था, तो बारगेनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इस वाली शॉप पे। लेकिन जो वैरायटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर अवेलेबल। ये आप देख रहे हैं इंसेंस शोरूम और इनके पास भी कलेक्शन बहुत बढ़िया आया हुआ है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइए, इनका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। और इसके अपोजिट साइड में ही ये एक शॉप थी जहाँ पर जूट के और कॉटन से बने हुए हैंडबैग्स मिल रहे थे जो काफ़ी अच्छे थे और 200 रुपीज़ से इनकी रेंज शुरू थी। सरोजनी में आपको लॉन्जरी का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा और जो ये ब्रालेट्स आप देख रहे हैं ये 100 रुपीज़ से शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रालेट्स मिलेंगी और आपको स्पोर्ट्स ब्रास भी काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी वहाँ पर और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। देन आपको अगर साइकिल शॉर्ट्स चाहिए, टाइट्स चाहिए या फिर कुछ और स्टफ़ चाहिए लॉन्जरी से रिलेटेड, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। और अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हैं और आपको अपना प्राइस नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉन्जरी की बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पर जहाँ पर सिमिलर स्टफ़ मिलता है, तो आप दूसरी शॉप पे ट्राई कर सकते हैं। आपको फुटवेयर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है और जो इनकी प्राइस रेंज है वो 100 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। और अगर हम शूज़ की बात करें तो शूज़ आपको 350 रुपीज़ से शुरू हो जाते हैं। और ये वाली जो शॉप थी ये एक्सपोर्ट लेन में है और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और जो ये शूज़ हैं ये आपके 400 रुपीज़ की रेंज से शुरू हो जाते हैं। और इनके पास सेल भी चल रही थी जिसमें दूसरे फुटवेयर भी थे जो 200 रुपीज़ में मिल रहे थे सेल में। ये एक भैया ने अपना ज्वेलरी का स्टॉल लगाया हुआ था और इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और जो ये नेक पीसीज आप देख रहे हैं ये 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको और जो इयररिंग्स हैं वो 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे और कलेक्शन इनके पास भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इनके पास से एक नेक पीस ख़रीदा था स्टोन्स वाला और नेक्स्ट डे घर पर जब मैं उसको पहनने लगी तो मैंने देखा उसका एक स्टोन निकल गया। तो सरोजनी से जब भी आप चीज़ें खरीदते हैं तो ऐसा भी बहुत होता है, तो इस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिएगा कि कभी कभी डिफेक्टिव चीज़ें भी आ जाती हैं। ये पीस डिफेक्टिव नहीं था लेकिन पता नहीं कैसे टूट गया वो, तो बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये वाली जो शॉप है ये है शॉप नंबर 192 के अपोजिट साइड में एक्सपोर्ट लेन पे और इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और यहाँ पर आपको बॉडी सूट्स भी मिल जाएंगे और ड्रेसेस, टॉप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और इनकी प्राइसिंग भी 200 रुपीज़ से शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि सरोजनी की अच्छी अच्छी जो भी शॉप्स हैं वो मैं आपको दिखा पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।